श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पवित्र अगवाई विच लग्या कौमी इंसाफ मोर्चा उच शामिल समूह साध संगत जी सब तो पहला जहेदार जगतार सिंह हवारा वालों ते दास वालों बलाई फतेह प्रवान करना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कौमी मुद्दों लैके जो कौमी इंसाफ मोर्चा तकरीबन 7 जनवरी तो चल रहा है प्रबंधकों कोई शब्द नहीं भी थोड़ा धन्यवाद कर सकीए क्योंकि कौम ने अज पछाण लिया भी साडा अपना इखलाकी फर्ज है। उस फर्ज नूं निभाउंदे होए दूर दरेडियां तो देश विदेश तो संगतां इस मोर्चे विच शामिल हो रही हैं ते कौम प्रति पंथ प्रति अपनी सेवावां बहुत वड्डे पद्धर ते निभा रही हैं। कौमी इंसाफ मोर्चे वल चलिया होया थोड़ा एक एक कदम साढ़े सिर मत्थे एक दो मैं बेनतियां करनियां संगतां दे चरणां च कि जिहड़ा ये कौम लई मोर्चा लग्या कौम दे जुझारुआं वास्ते जिन्हां ने कौम वास्ते कुरबानियां कीतियां उन्हां दी रिहाइयां वास्ते मोर्चा लग्या सो असीं गुरु साहिब दा हुक्म मनदे होए जो सर लावै तिस कंठ लावै गुरु साहिब दे हुक्म दी पालना करनी है भी इत्थे कोई भी आ गया भावें कोई छोटा भावें कोई बड़ा भावें किसी भी फिरके दा वह साडे वास्ते सत्कार योग है। जिहड़ा चार मुद्दियां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दे खिलाफ बहबल कलां कांड दे शहीदां दा इंसाफ लैण लई ते 328 लापता सरूपां दे इंसाफ लई ते बंदी सिंघां दी रिहाई लई इत्थे आ के हादा नारा मारदा वो साडे वास्ते सत्कार योग है। आपां ने अनुशासन च रह के वो एक प्यार ते सत्कार दी मिसाल कायम करनी है कि देश विदेश दियां संगतां ये कहण भी ये जिहड़ा मोर्चा लग्या वो नवेकली तरह दा हर एक नूं प्यार करना क्योंकि गुरु साहिब दा सब तो वड्डा हथियार है। असीं जिसनूं अपने जोर नाल नहीं दबा सकते वो प्यार नाल उहनूं नीवा कर सकते हैं। सो उसनूं कायम रखदे होए जहेदार जगतार सिंह हवारा नूं तुसीं प्यार करदे हैं मैं देखदा बई 80% वह रूहां जिन्हां ने उन्हां दे बाई फेस दर्शन नहीं किते उन्हां बारे सुनिया या पढ़िया पर मैं थोनों दस दियां ये अत कथनी नहीं होएगी कि गुरु साहिब दी उस ते इन्नी कृपा भई ये जिहड़ा थोड़ा संगतां दा प्यार अज देश विदेश दियां संगतां उन्हां नूं प्यार करदियां वो उन्हां दी कमाई दी बदौलत है। सो सानूं जिथे अज कौम उन्हां दे इक होके दे साथ दे रही है उन्हां नूं अंदर बैठे ही बहुत माण महसूस हो रहा जिन्हां ने हमेशा कौम दी गुरु साहिब दे सिद्धांत दी गल करी है भावें कि समय समय ते कई बार बहुत सरकारी तसद्द सहना पिया ते कई बारी सरकारां ने कई तरह के लालच दे के अप्रोच की गई उन्हां तक पर उन्हां दा इको एक हुक्म आउंदा रहा कि आपां ने सिद्धांत नूं पिठ दे के कोई फैसला नहीं करना भावें सारी उम्र जेल विच लग जावे कोई परवाह नहीं
अज भी उस ते अडोल खड़े हैं। इस करके जेड़े तुसी उनु प्यार करते हैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सो असी इन्हां शब्दां नाल इस प्रबंध विच जो कोई कमियां रह जांदियां ओ असी प्रबंधक जिम्मेवार है उहदे वास्ते। आए भी किसी भी प्राणी के खिलाफ आपने एक शब्द नहीं बोलना, क्योंकि जड़ा चल के आ गया वो इस मोर्चे नू समर्पित होके ही आया। इस करके आपने गुरु सिद्धांत ते पहरा दिंदे होए वो दिन दूर नहीं जदों सरकारां नू थोड़ी एकता दे सामने जेड़ा वो तकरीबन 2015 जदों चब्बे धरती ते उन्हां नू श्री अकाल तख्त साहब का जहदार थापिया गया उदों भी उन्होंने सेवा प्रवान की सी एक शर्त कि जे मेरी कौम एकता करती है एक निशान साहब थले इकट्ठी होंदी है श्री अकाल तख्त साहब की छत्र छाया हेठ इकट्ठी होंदी है। अज उन्हां दा सुपना साकार हुंदा जा रहा। अज वख वख जथेबंदियां उन्हां नू प्यार करके उन्हां दा हुक्म मन होए इत्थे हाजरी भर रही हैं। सो आईया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रबंध विच सेवावां निभा रहे हैं। बाबा नरेंद्र सिंह जी हजूर साहब वाले, बाबा बलविंदर सिंह जी लंगरां वाले, उन्हां दे जथेदार बाबा गुरमीत सिंह जी जिहड़ा तकरीबन 3.5 महीनों तो इस संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं, बहुत वड्डियां सेवावां उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। पिंडां विच्चों जिहड़ियां संगतां रसदां बसदां लै के आ रही हैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों मैं देखदा इत्थे क्वांटलां दे हिसाब च दुध पहुँच रहा। जिथे संगतां दे इत्थे हड़ आ जाणा उत्थे प्रबंधां दा भी हड़ आ जाणा। सो असी स्टेज वल्लों प्रबंधकां वल्लों कोई कमी रह जांदी आ थोड़े चरणां च रख शीस रख के माफ़ी भी मंगदे हैं। सो आस करदे हैं देश विदेश की संगतां नू अपील भी है भी जिहड़ा एक कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या अपना कौमी फर्ज पछाणदे होए जिथे अपनी शरीरक तौर पर हाजरी जिथे लाउणी जरूरी है उत्थे जिहड़ी सेवावां दी इत्थे लोड़ है उस च भी हिस्सा पाया जाए। सो जिहड़ी 20 मिनट पहला ही जहदार जी ने दास नूं कहा सी मेरी गल होई है फोन ते, सरकारी फोन ते गल हुंदी है, 20 मिनट पहला ही उन्होंने कहा सी भी मेरे वल्लों बुलाई फतेह जरूर संगतां नाल सांझी कीती जावे। सो मैं उन्हां वल्लों भी संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सो उन्हां दी बुलाई फतेह नाल बुला के खिमा दा जाचक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।